आपके लिए एक दिलचस्प कहानी अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी, नो कॉन्फिडेंस मोशन से जुड़ी, भारत के पहले अविश्वास प्रस्ताव की कहानी। जी हाँ, जो अविश्वास प्रस्ताव मोदी के खिलाफ 4 साल बाद आया, वो नेहरू जी के खिलाफ 15 या 16 साल बाद आया था। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी। और ये अविश्वास प्रस्ताव उनका बड़ा ही विश्वास पात्र व्यक्ति लेकर आया था। जी हाँ, वो व्यक्ति जिसने कभी नेहरू जी को पीएम बनाने में काफी अहम रोल प्ले किया, वो व्यक्ति लेकर आया उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। दोस्ती विश्वासघात की बड़ी दिलचस्प कहानी है भारतीय इतिहास की। कैसे, ये कौन लेकर आया? ये थे आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी, कभी जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, टीचर की नौकरी, मुजफ्फरपुर बिहार में पढ़ाते थे इतिहास और अंग्रेजी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी गांधी जी के आंदोलन से जुड़ने के लिए, और 1928 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। उसके बाद वो लगातार गांधी जी के करीबी लोगों में गिने जाते रहे, तमाम उनके आंदोलनों में सहयोग देते रहे। और जब 1940 में मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए, तो 6 साल तक चुनाव नहीं हुआ। तो अब जब लगने लगा 46 में आके कि आजादी करीब है, अंग्रेज किसी कांग्रेस अध्यक्ष को न्योता देंगे, तब ये तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा, वही प्रधानमंत्री होगा। तो जो प्रदेश कार्य समिति है उनसे मंगाए गए, नाम मंगाए गए, तो 15 में से 12 ने पटेल का नाम भेजा, और ऐसे में नेहरू जी का नाम किसी ने नहीं भेजा। तो बड़ी दिक्कत हो गई। गांधी जी ने जेबी कृपलानी को कहा कि आप मदद करिए, और जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के जो बाकी AICC के मेंबर्स थे उनसे नेहरू जी का नाम नॉमिनेट करवाया, और काफी कैंपेन किया इसके लिए। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष का नाम 1946-47 में सीधे मौलाना आजाद के बाद नेहरू जी का नाम नहीं आता, क्योंकि उनका नाम सीधे फिर जो अंग्रेज सरकार ने इन्वाइट किया था प्रधानमंत्री पद के लिए वहां भेज दिया गया, तो वहां पर कहीं भी नाम नहीं आता। और उसका फायदा ये हुआ, पहले नेहरू जी पहले पीएम बन गए, और जो उस वक्त के कांग्रेस सदस्य थे मौलाना आजाद के बाद, वो मौका मिला जेबी कृपलानी को। इस तरह से जब देश आजाद हुआ तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे देश के। तो ऐसे में इन दोनों के बीच टकराव भी होने लगा। कृपलानी चाहते थे कि जो भी बड़ा फैसला सरकार ले, देश की सरकार ले, वो कांग्रेस के अध्यक्ष से, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष हमेशा ताकतवर होता था, वो उनसे पूछ कर ले, सलाह लेकर ले। जो दोनों का टकराव था उसकी वजह बनी कि कृपलानी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। उस वक्त नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगले साल चुने गए सीतारामैया, जिन्हें कभी सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, गांधी जी को उम्मीदवार कहे जाते थे। वो 2 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इसी बीच उनके फिर रिश्ते सुधरे नेहरू जी के साथ। 1950 में नेहरू जी ने उन्हें सपोर्ट किया कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, लेकिन हुआ क्या, पुरुषोत्तम दास टंडन को खड़ा कर दिया पटेल ग्रुप ने, और सरदार पटेल का वो उम्मीदवार पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गया। हालांकि बाद में उन्हें नेहरू जी से खिलाफत के चलते इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन नाराज हो गए जेबी कृपलानी। उन्हें लगा नेहरू जी ने पूरी कोशिश नहीं की उन्हें जिताने में, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी नई पार्टी खोली, वो कांग्रेस से अलग हो गए, और उसके बाद कभी कांग्रेस में नहीं आए। बाद में सोशलिस्ट पार्टी से टाई अप करके, मर्ज करके उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी खड़ी की, और लगातार 4 बार लोकसभा के मेंबर चुने गए वो उसी से। और बाद में जब नेहरू जी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि हार गए। वो इतने खिलाफ रहे नेहरू जी के लगातार। 1962 में जब चीन से भारत बुरी तरह हार गया, तब देश का गुस्सा था नेहरू जी के खिलाफ, उसका फायदा उन्होंने उठाने की सोची, और जेबी कृपलानी संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव, पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू जी के खिलाफ लेकर आए। उनके अपने खास आदमी थे, वही लेकर आए, और हालांकि वो विश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन ये देश के इतिहास में शामिल हो गया कि देश में संसद में पहला विश्वास प्रस्ताव, नेहरू जी के खिलाफ पहला विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया, जेबी कृपलानी लेके आया। हालांकि मैं आपको बता दूं, जेबी कृपलानी की जो पत्नी थी वो लगातार कांग्रेस में बनी रही, यूपी की पहली महिला चीफ मिनिस्टर चुनी गई, सुचेता कृपलानी। और इधर जब नेहरू जी की मौत हो गई, उसके बावजूद वो विरोध में बने रहे कांग्रेस के, और उनके सामने शास्त्री जी बने पीएम, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, तो उनका सपना पूरा हुआ। जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में, तब उनका सपना पूरा हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान जो पहली रात जितने नेता गिरफ्तार हुए थे, उनमें जेबी कृपलानी भी थे। 82 में उनकी मौत हो गई अहमदाबाद में, और इस तरह से एक गांधीवादी नेता चला गया, लेकिन उनको हमेशा जाना जाएगा। आजादी के टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो, इसलिए जाना जाएगा, नेहरू जी को पीएम बनाने में उनका बड़ा रोल था, और नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाला वो पहला व्यक्ति था संसद में, पहला विश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियां, तमाम खबरें आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।